हाँ भी वो तुम्हारी आज एल्बम का बड़ा तस्करा हो रहा है, क्या लेकर आए हो आज? यार तुम मेरी फोटोग्राफी से क्यों जालस होने लग गए हो नहीं नहीं भाई? मैं तो बल्कि तारीफ कर रहा हूँ, मैं आज जिस जगह भी गया हूँ, जिस सेक्शन में गया हूँ जी, आज अजीज साहब की एल्बम देखने के लिए हम बड़े बेताब बैठे हुए हैं, क्या लेकर आए हो, कोई खसूसी? बस वो हमारे नीचे ये कर दिया ना बहुत खुश हुए सारे, कहते हैं वाह यार ये वो इतने अकलमंद आदमी हो तुम, उन दोनों बेवकूफों को कैसे बर्दाश्त करते हो जी नहीं, यार बहुत आला तस्वीरें ये लेके आए। तुमने दोनों बेवकूफ हमें कहा है? नहीं वो नीचे दो बंदे खड़े थे, लो जी फोटो ऐसी ऐसी लाया हूं और इतने इतने बड़े बंदे की फोटो लाया हूं कि तुम हैरान हो जाओगे कि यार ये इसने कहां से बैठ के खींची है। अच्छा चलिए मैं जेन के कैमरे से फोटो खींचता हूं। दिखाओ ना जो लाए हो, जल्दी करो। यार बात सुनो, फोटोग्राफी में ना हमें काली डाला करो, ये आर्ट का मसला होता है। आर्टिस्ट जो होता है उसको एक जेन बनाना पड़ता है, तखलीक वैसे नहीं होती, ये आमद होती है। अच्छा क्या तखलीक कर लाए हो, अब पेश तो करो ना। पेश नहीं माने करना, अच्छा मत दिखाने लगाऊं पेश, तुम क्या दरबार लगा के बैठे हुए? मैं कह रहा हूँ अपनी ऑडियंस को, नाजरीन को पेश करो। हाँ उनको तो मैं पेश करूंगा, मैं सदके जाऊं जी, मैं जनाब ताबेदार हूँ। ये ऑडियंस है को तुम्हारे मुर्शद पाक नहीं है? मुर्शद पाक तो अल्लाह उनकी खैर करे, उनके लिए तो तमाले डालता हूँ मैं। और तुमने मेरी तमाल तो नहीं काटी थी प्रोग्राम में से? मैंने काट दी थी। अमान से हाँ कन्नों को हाथ लगा लो वरना आज तुम्हारी गड्डी पंचर हो जानी है, मैं तुमको बता दूं। कन्नों को हाथ लगाओ, तौबा करो अल्लाह से। जैसे पिछले हफ्ते वो हाथी पंचर हुआ था। हाथी तो हो जाता है यार, पंचर ही होता है तो बैठता है यार, तुम मजाक बना लेते हो, इतना मोटा बैठ सकता है वैसे? अच्छा चलो पंचर के बगैर। अच्छा वो हम कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरें आपको मैं पेश करने लगा। लो जनाब जो पहली तस्वीर है ना वो ये है, गवर्नर पंजाब सलमान तासीर अखबार में राणा सनाउल्लाह का बयान पढ़ते हुए। फिर फ्रीज हो गया। अच्छा चलो बस करो, अगली दिखाओ। अगली दिखाओ। कामरान अकमल चौथा कैच ड्रॉप करने के बाद शर्मिंदा होने की बेहुदा सी कोशिश करते हुए। कामरान वैसे आया ना तो उसे ये तस्वीर दिखानी चाहिए। ये सबसे बड़ी सजा उसे होगी कि अजीजी ने उसकी शक्ल बनाई थी। अच्छा यार बात सुनो, बस कर दो प्लीज, बस करो। कश्माला तारक हनीफ अब्बासी को नए साल का तोहफा पेश करते हुए। वाह 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 वाह। अच्छा आगे क्या है? मंजूर वट्टू वजारत तब्दील होने के बाद मेरे मुर्शद पाक सरकार की तरफ मोहब्बत से देखते हुए। ये मोहब्बत से देख रहे हैं सर। बस कर दे इधर प्लीज, तो सीधा कर लो। लो जी नाजम कराची मुस्तफा कमाल साहब ओए टीवी एंकरों तक खैर सगाली के जज्बात पहुंचाते हुए। वाह। ये खैर सगाली के जज्बात यार इंतहाई भोंडी हरकत की है तुमने। यार एक तो मैं तस्वीरें दिखाता हूँ ऊपर से भोंडी हरकत कह रहे हो और क्या, ये वो इस तरह मुस्तफा कमाल इस तरह बोला? तो तुम तब सरा तुम इसे किया करो, मैं तुमको बता दूं। ओए 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 इस कदर फजूल शक्लें बनाते हो ना तुम। अच्छा जी फजूल शक्लें होती हैं। लो जी तस्वीर पेश है, अजीजी साहब खोचल के लिए दिली ख्वाहिश का इजहार करते हुए। अब ये मुझसे जो है ना कोई ठीक कर लो अपनी। मुल्क का एक बहुत बड़ा कर्जा खोर एक बेजुबान खुसरे अशरफ चंबेली से छित्र खाते। इंतहाई बेहुदा, इंतहाई बेहुदा शक्लें बनाई है। कंफर्म पांच और करो जुल्म हम पर, कुछ और दिखाओ। मेरे इस पे अपनी टीवी एंकरी ने झड़ा करो। अच्छा अच्छा कुछ और दिखाओ बस जल्दी, इसको वाइंड अप कर। आदमी में आप लोग चढ़ाई कर देते हो, तगड़े बंदे से डरते हो फिर। खवातीन हजरात पेशे खिदमत है, इस जैसा एक टीवी एंकर
डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा का इंटरव्यू लेते हुए। ये फायर एक्सटिंग्विशर क्यों पकड़ा हुआ है? खुद ही नजरात मिलते हैं ब्रेक, स्टे विद अस।